नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दिन संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। हमारे आज के चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। देखो, आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 1870 से लेकर के 1947 के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन कितने हुए, कैसे हुए, एंड इन सभी राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए थे इनका उदय कहां से हुआ, इससे पहले आंदोलन क्यों नहीं हुए, सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का एक बेसिक रूल होता है, एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करो। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने शब्दों को पढ़ लिया और याद कर लिया। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये होता है उन शब्दों के पीछे का जो उद्देश्य है उसको आप समझो। अगर आपने उस वाक्य को समझ लिया तो आपका एनसीईआरटी पढ़ना सफल है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्टों में इसीलिए डिवाइड किया है ताकि इस चैप्टर को आप डिटेल में अच्छे ढंग से समझ सकें। इस चैप्टर से हर साल सिविल सर्विस एग्जाम में 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में जानकारी दी गई और आंदोलनों पर हर साल 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे पहले आए हुए जितने भी इससे पहले आए हुए चैप्टर्स के वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट में आपको क्लासिक से लेकर के 8 तक के अभी तक के आए हुए सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इसके बाद में 12th के जो क्लासेस आएंगी वो सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक के बीच में जो जो पढ़ा एक बार वो देखेंगे, एक थोड़ा सा देख लेंगे ताकि समझ में आ जाए कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया कर लें और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, जाकर के आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा किस प्रकार से हुआ और रियासतों का अधिग्रहण किन्होंने किस प्रकार से किया। रियासतों का अधिग्रहण करने के लिए उन्होंने कई सारी नीतियां बनाई, जैसे कि एक विलय नीति थी और भी कई सारी नीतियां बनाई जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद में यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करने के लिए नए नए कानून बनाए, प्रशासनिक संस्थाएं बनाई और उनकी शुरुआत की, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अगला पॉइंट मिलता है किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव। अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया तब हर एक चीज का ये लोग उपयोग करना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने किसानों के लिए अलग कानून बनाए जिसमें कर को लेकर के व्यवस्था तय की। आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव इसलिए है क्योंकि आदिवासियों का जो निवास स्थान था जहां पर वो खेती करते थे वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और भी बहुत सारे काम किए जिससे आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आया, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद में 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, देखो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए थे इसके बारे में चैप्टर नंबर 7 में शायद पढ़ा था, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या किया इस चीज को देखा। एंड इसके बाद में 3 पॉइंट आपको मिलते हैं, महिलाओं की स्थिति से संबंधित बात भी, बात जाति व्यवस्था को चुनौती और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। यहां पर सुधारिक जो सुधारवादी काम हुए थे, जो ये काम थोड़े से अच्छे रहे थे, इनके संबंध में हमने चैप्टर नंबर 8 में जानकारी प्राप्त की। महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था पढ़ाई लिखाई का, इसके अलावा संपत्ति पर अधिकार बहुत सीमित था, विधवा विवाह नहीं होते थे, ठीक है, सती प्रथा चल रही थी, बाल विवाह होते थे, तो इनके संबंध में काम की गई। जाति प्रथा को, जाति व्यवस्था को चुनौती किस प्रकार से दी गई, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कैसे किए गए, इसके बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति क्या रही थी, 1857 का विद्रोह कैसे हुआ एंड अंग्रेजों ने इसे कैसे दबाया था। अगले पॉइंट में हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, इस चीज को भी हमने शायद चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया था कि मतलब हमारे देश में जो भी हस्तकलाएं चली थी, जैसे कपड़े जो बनाए जाते थे, चरखे से बुने जाते थे, इन सभी का पतन कैसे किया गया और हमारे यहाँ पर नए नए उद्योग कैसे लगाए गए, इनका विकास कैसे किया। ठीक है, आई होप कि आपने ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और ये अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है, जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं एंड इन सभी के नोट्स आपको एक ही पीडीएफ मिल जाएंगे, जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आज आपके सामने इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक मिलता है राष्ट्रवाद का उदय। देखो, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा कि अंग्रेजों ने हमारे यहां पर कब्जा किया पूरे भारत देश पर, और अंग्रेजों से पहले एक टाइम ऐसा भी था जब हमारे यहां पर मुगलों ने कब्जा किया था, लगभग पूरे भारत देश पर कर लिया था, मतलब पूरे देश पे तो नहीं कर पाए थे, छोटा सा इलाका छूटा रहा था, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि पूरे भारत पर मुसलमानों का कब्जा लगभग हो गया था। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए राष्ट्रवाद का उदय क्यों नहीं हुआ जब मुसलमान हमारे यहां पर आए थे, ये
हमारे यहाँ पर जो ये अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने कब्जा किया, इनको भगाने की रणनीति क्यों बनाएगी, मुगलों को भगाने की रणनीति क्यों नहीं बनाएगी, इस चीज को आप इस वाक्य से समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है भारत में हुए बदलावों, क्या भारत में जितने भी अंग्रेजों ने बदलाव किए इसने लोगों को ये सोचने के लिए विवश कर दिया कि ये देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे लोगों के सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है और यह देश और इसके सारे संसाधन, इसी इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ही ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। आप समझो, देखो अंग्रेज जो हमारे यहाँ पर आए थे, अंग्रेजों ने क्या किया, एक टीम बनकर के आए, ठीक है, एक पूरी की पूरी कंपनी बन के आए। और जैसे कि हमारा भारत जो था वो रियासतों में बटा हुआ था, जैसे कि मतलब उत्तर प्रदेश की रियासत अलग थी, बिहार की अलग थी, पंजाब की अलग थी, दिल्ली की अलग थी, इसके अलावा मतलब जैसे आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो वहाँ की रियासतें अलग थी, ठीक है। भारत जो रियासतों में बटा हुआ था तो एक एक करके रियासतों पर ही कब्जा करते चले गए और जितने बीच में कब्जा करते थे वो ये अपना संगठन कहते थे, ठीक है। जैसे कि पूरा भारत का इलाका इतना है, ठीक है, ये सपोज दैट कि भाई इतने भागों में बटा हुआ है, ठीक है, ये इतने भागों में बटा हुआ है। अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ पर कब्जा किया, फिर यहाँ पर किया और इसको पूरे को एक कर लिया, फिर यहाँ पर भी कर लिया, अब इतना पूरा इनका एक हो गया, ठीक है। फिर इसने इतने बीच में कर लिया तो ये इनका इतना पूरा एक हो गया, फिर इतने बीच में कर लिया तो ये इनका पूरा इतना एक हो गया। और इससे पहले अगर आप देखो तो भारत के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग थे, 8 भागों को एक करके इन्होंने एक टेरिटरी से बना दिया, ठीक है। और एक टेरिटरी पर जब भी ये कोई कानून बनाएंगे तो इतने पूरे इलाके में एक कानून लागू किया जाएगा, ठीक है, पूरे राज्य को अपने अंतर्गत कर लिया, ठीक है। अच्छा, भारतीय लोग क्या करते थे, भारत में जितना भी ये पूरा देश था ये अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था तो एकता नहीं थी। अंग्रेजों ने जितने बीच में कब्जा किया उतने बीच में पूरी अपनी एकता बना करके रखी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा समझो, अंग्रेजों ने मतलब जितने बीच में एक आप कब्जा कर लिया था वहां के संसाधनों का और वहां के लोगों का अपने लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, क्या किया, अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने उपयोग के लिए, यहाँ से जितना भी धन कमाते थे उससे व्यापार करते थे और स्वयं लाभ उठाते थे। अच्छा, मुगलों ने क्या किया, मुगलों के बारे में भी समझो, मुगल जो यहाँ पर आए थे, मुगलों ने हमारे देश पर कब्जा किया, अलग अलग रियासतों पर कब्जा करते थे और वहाँ पर एक राजा बनाकर बैठा देते थे या फिर उस राजा को अपने अधीन कर लेते थे, ठीक है, ऐसा करते थे। जो मुगल यहाँ पर आए थे, मुगलों ने जब कब्जा किया तो कब्जा करने के बाद में यहाँ के संसाधनों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया और यहाँ के किया, लोगों के लिए, के लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यहां के लोगों का प्रयोग किया, ठीक है, तो दोनों में फर्क देखने को मिलता है। अच्छा, जब अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों का प्रयोग किया, यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करने लगे तो लोग ये सोचने लगे कि भाई ये देश क्या है, ठीक है, हम इस देश में रह रहे हैं, ठीक है, पूरे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, ये देश आखिरकार है क्या और किसके लिए है। जब ये बात सोचने लगे तो लोगों के सामने धीरे धीरे ये जवाब आने लगा कि भारत का मतलब होता है यहाँ की जनता, यहाँ रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी रंग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, कोई भी जेंडर बोलते हों, तमाम लोगों का घर है, ठीक है, जो भी यहां का निवासी है वो भारतीय है, ठीक है। जब ये बात सामने आने लगी तो ये देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी लोगों के लिए, जब लोगों को ये बात समझ में आ गई फिर लोगों ने ये देखा कि जो अंग्रेज हैं, ठीक है, अंग्रेज हमारे भारत के संसाधनों और यहां के लोगों का उपयोग कर रहे हैं, इन पर कब्जा करके बैठे हैं। कैसे ये बात समझ में आई, ये बात ऐसे समझ में आई कि अंग्रेज लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो लगान प्राप्त करते थे, ठीक है, उसका प्रयोग यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करते थे बल्कि उसी लगान से यहाँ की वस्तुओं को खरीद कर ले जाते थे और विदेशों में बेच करके मोटी रकम कमाते थे, यानी व्यापार करते थे। तो एक तरह से यहाँ के लोगों का ये लोग उपयोग करते थे। तब लोगों को ये समझ में आया कि जो अंग्रेज है वो हमारी जिंदगी पर, पूरे देश पर, पूरे देश के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं पूरे देश के उनकी जिंदगी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, यानी भारतीयों का नहीं हो सकता। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर अब क्या था, राष्ट्रवाद की भावना जगी। जब लोगों को ये समझ में आने लगा कि जब तक अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते, ठीक है, भारत पर भारतीयों का कब्जा नहीं हो सकता, फिर यहाँ से जगती है राष्ट्रवाद की भावना कि अब तो हमें हमारे देश के लिए जीना है। अभी तक क्या
गया था रियासत के लिए लोग काम करते, जैसे कि भारत जो था 70 रियासतों में सपोज दैट कि पहले बटा था, तो 70 रियासत के लोग अपना अलग अलग जोड़ लगाते थे स्वयं आजाद होने के लिए। जब लोगों को ये पता चल गया कि 70 रियासतों पर का दुश्मन एक ही है और 70 रियासतें केवल भारत के अंडर आती हैं, तब लोगों ने क्या किया कि एक दुश्मन के प्रति अपनी दुश्मनी दिखाने लगे, ठीक है, और आगे बढ़ने लगे, तब यहां पर देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जगी, ठीक है। 1870 और 80 के दशक में, यानी कि इस 10 साल के टाइम में जितने भी राजनीतिक संगठन बने उनमें यह चेतना और गहरी हो चुकी थी, मतलब जितने भी राजनीतिक संगठन बने उनका जो उद्देश्य था पूरे देश के लिए होता था, ठीक है। समझो यहां पर 1870 और 80 के दशक में जितने भी राजनीतिक संगठन बने जो कि देश को आजाद कराने के लिए थे, वो किसी एक रियासत के नहीं होते थे, बल्कि उनका लक्ष्य होता था पूरे देश को आजाद कराना, पूरे देश के लोगों का लक्ष्य लेकर के ये आगे बढ़ते थे। और जितने भी राजनीतिक संगठन थे, ठीक है, इनमें से ज्यादातर संगठनों की जो बागडोर थी यानी जो लीडरशिप थी वो वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे जिनको अंग्रेजी आती थी, जो कानून के ज्ञाता थे, जिनको कानून के बारे में जानकारी थी, अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए थे वो लोग अधिकतर होते थे, मतलब राजनीतिक संगठनों के लीडर नेता, ठीक है। पूर्व पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इसके अलावा बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे जिनका उद्देश्य था, मतलब इनका जो लक्ष्य था पूरे भारत था कि पूरे भारत के लोगों का लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और इनके जो लीडर थे वो अंग्रेजी शिक्षित अधिकतर वकील ही होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है, ये संगठन अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे, यानी पूरे देश का लक्ष्य होता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले हमारा जो देश था किसमें रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन जब लोगों को यह पता चला कि भाई सभी रियासतों का दुश्मन एक ही है, तो सभी रियासतें एक हो गईं और वो अपने देश को आजाद कराने के लिए एक ही दुश्मन से लड़ने लगे यहां पर, ठीक है। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे जो ये जितने भी राजनीतिक संगठन थे कि लोग संप्रभु हो। अच्छा, यहां पर संप्रभु का अर्थ क्या होता है, संप्रभु का अर्थ क्या होता है, समझते हो? यहां पर देखिए बहुत बड़ा ये आता है शब्द आपके सामने, देखो ऐसे प्रश्न काफी बन जाते हैं। सपोज दैट कि भाई एग्जाम में प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से संप्रभु का अर्थ क्या है, ठीक है, या फिर संप्रभु का संदर्भ क्या है, तो आप इसका उत्तर क्या करोगे, संप्रभु का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। संप्रभु को आप एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि भाई आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, और आप अपने घर के मालिक हो, और आप अपने घर में जितने भी निर्णय हैं, जो भी काम हो, अगर उन कामों का निर्णय स्वयं ले सकते हो तो आप संप्रभु हो, ठीक है। और अगर आपके निर्णय को कोई प्रभावित करता है तो इसका अर्थ ये कि आप संप्रभु नहीं है, ठीक है, यानी कि अपने निर्णय स्वयं लेना, अपने अधिकार को प्राप्त करना। देखो संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है, ठीक है, राष्ट्रवाद यानी कि और आधुनिक विचार यानी कि जितने भी आप निर्णय ले रहे हो या फिर जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे जो दिमाग हो वो आपका ही हो, उसके पीछे जो मतलब उद्देश्य हो वो आपका ही हो। ऐसा नहीं कि आपका, अगर आपका जो निर्णय है अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपका निर्णय नहीं है, यानी कि आप संप्रभु नहीं है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए, अगर आप आजादी से अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो तो आप संप्रभु हो, ठीक है। अगर आप अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हो, आपके निर्णय को कोई ना कोई प्रभावित कर देता है, तो आप संप्रभु नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है, 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन द्वारा पारित अनेक कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति असंतोष और अधिक गहरा हुआ। देखो 1870 और 80 के बीच में अगर आप देखो तो आर्म्स एक्ट आया। आर्म्स एक्ट का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि भारतीय जितने भी लोग हैं, ठीक है, इनके द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि इससे पहले क्या था, आर्म्स एक्ट आने से पहले यहाँ पर जो व्यक्ति चाहे जो चाहे हथियार अपने घर में अपने पास रख सकता, जैसे कि भाई तलवार हो गई, चाकू हो गया, भाला हो गया, इसके अलावा बंदूक हो गई, जो चाहे जो रख सकता था। लेकिन जैसे ही आर्म्स एक्ट आया तो यहाँ पर सभी लोगों से अधिकार छीन लिए गए। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इसी टाइम पर, ठीक है। जब ये पारित किया गया तो इसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी अखबार कोई भी आपत्तिजनक बात छापती है, जिससे कि जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में कोई भी अगर आपत्तिजनक बात छापती है, ठीक है, चीज छाप देती है, तो सरकार उसका प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है, ऐसी बात कही। तो यहां पर आपने क्या देखा, जितने भी संगठन
हमारे देश में बने राजनीतिक संगठन, उनका लक्ष्य कोई एक जगह नहीं होती थी, ठीक है, उनका लक्ष्य भारत होता था, भारत के सभी लोग होते थे, ठीक है, उनका लक्ष्य कोई एक रियासत नहीं होती थी, ठीक है, और उनके मुताबिक उनका जो लक्ष्य था किसी खास इलाके समुदाय वर्ग के लक्ष्य नहीं था बल्कि पूरे देश का था। और मतलब इनका यह भी कहना था कि इस सोच के साथ काम कर रहे थे लोग कि लोग संप्रभु हो, ठीक है, जितने भी राजनीतिक संगठन थे उनका मानना यह था कि लोगों को संप्रभु होना है, हमारे देश को संप्रभु होना है, देश का निर्णय हम स्वयं लेंगे, अंग्रेज हमारे देश का निर्णय नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा 1870 और 80 के दशक में जो निर्णय लिए गए थे इससे देश की जनता और अधिक प्रभावित हुई थी और जनता में बहुत सारे राजनीतिक संगठन बनने लगे, जैसे कि आर्म्स एक्ट आया था 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, इससे जनता और अधिक प्रभावित हुई, जनता के अंदर अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। अच्छा, जब एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था तो देश की जनता खुश हुई थी क्योंकि ये बिल बहुत अच्छा था, ठीक है। इसमें क्या था, इस बिल में, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुन सकते। इससे क्या था, देश में थोड़ी समानता की बात आती कि भाई अगर तुम हमारे निर्णय ले सकते हो तो हम भी तुम्हारे निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, तुम दोनों में अगर लड़ाई हुई है तो हम इसमें निर्णय देने की काबिलियत रखते हैं। अगर ये थोड़ा सा मतलब एल्बर्ट बिल लागू हो जाता तो हो सकता था कि थोड़े समय के लिए लोगों को राहत मिलती, ठीक है, और लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जगी थी वो थोड़ी सी कम हो जाती, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना तो रहती लेकिन थोड़ा सा यहां पर क्या है कि लोग आंदोलन में इतना अधिक आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सा विश्वास पैदा हो जाता। लेकिन देखो, हाँ, इसका उद्देश्य था ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया, जो अंग्रेज अधिकारी और लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस घटना से भारतीयों ने भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चल गया। देखो क्या है, जब ये एल्बर्ट बिल लागू भारत में आया 1883 में तो इसका उद्देश्य ये दिया गया था कि पहले क्या था कि जो यूरोपीय व्यक्ति थे या फिर जो अंग्रेज थे अगर उनका कोई केस होता था तो उसे केवल यूरोपीय या फिर अंग्रेज न्यायाधीश ही उसे सुनता था। लेकिन एल्बर्ट बिल में ऐसा कहा गया कि अगर कोई भी यूरोपीय व्यक्ति का मुकदमा आता है तो उसे भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं। अंग्रेजों को ये रास नहीं आया, अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसका विरोध किया और इसे वापस भेज दिया। जब इसे वापस भेज दिया तो भारतीयों को ये समझ में आ गया कि भाई ये जो है हमारे ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा किए हुए हैं और हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब तुम हमारे निर्णय ले सकते हो और हम तुम्हारे निर्णय नहीं ले सकते। तब यहां पर राष्ट्रवाद की भावना और अधिक जग गई। फिर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर के 72 प्रतिनिधियों मिलकर के बंबई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। वही कांग्रेस जो आज आप देख रहे हो, संगठन जो ये बनाया गया, इस संगठन के प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, याद रखना है इनको, ठीक है। और इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, रमेश चंद्र दत्त हैं, ठीक है। इसके अलावा एस सुब्रमण्य आया रहे और भी अन्य कई हैं जिन्होंने बंबई और कलकत्ता के ही थे, ठीक है, जिन्होंने मिलकर के 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा, यहां पर आपने ये तो देख लिया कि 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन इन 72 प्रतिनिधियों में प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे, किन किन लोगों ने सबसे अधिक योगदान दिया? तो याद रखना, तीन व्यक्तियों का नाम सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले आपको मिलते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको मिलते हैं एओ ह्यूम, ठीक है, ये है आपके सामने दादा भाई नौरोजी। दूसरे मिलते हैं एओ ह्यूम, ठीक है, और तीसरे व्यक्ति जिनका नाम यहां पर नहीं दिया गया उनका नाम है दिनसा वाचा। इन तीन व्यक्तियों ने प्रमुख रूप से लीडरशिप ली अपने हाथ में और इन 72 प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के कांग्रेस की स्थापना की थी। कौन कौन है तीन व्यक्ति? एक दादा भाई नौरोजी, दूसरे एओ ह्यूम और तीसरे दिनसा वाचा, ठीक है। तीन व्यक्तियों ने मिलकर के स्थापना कांग्रेस की थी। बाकी के ये प्रमुख व्यक्ति और हैं जिनका हमने नाम यहां पर आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया, ठीक है। एक प्रश्न और आता है कि हमने ये तो देख लिया कि 1885 में स्थापना की गई, लेकिन मतलब तारीख क्या थी और महीना कौन सा था? तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना की गई थी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नौरोजी व्यापारी और प्रचारक थे, यानी कि ये व्यापार भी करते थे और प्रचारक थे, यानी कि जो भी समाज में गतिविधियां चलती रहती थी वहां पर मतलब अपना योगदान देते रहते थे, अपनी अलग अलग बात कहते रहते थे और लंदन में ये रहते थे। और जब लंदन में ये रहते थे तो उस टाइम पर कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी वहां पर ये रहे थे, सदस्य बन करके ब्रिटिश संसद में ये वहां पर भी रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवाद का मार्गदर्शन किया,
ठीक है। और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर जिनका नाम है एओ ह्यूम, इन्होंने भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। तो ये तीन व्यक्ति प्रमुख याद रखना, एक दादाभाई नौरोजी, एक एओ ह्यूम और तीसरे व्यक्ति मिलते हैं आपको दिनसा वाचा। क्या नाम है इनका? दिनसा वाचा, ठीक है। दिनसा याद रखना, दिनसा वाचा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ठीक है। तीन व्यक्ति हैं ये, ठीक है। तो जो नौरोजी थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि लंदन में रहे थे और वहां पर जब भी रहे थे तब ब्रिटिश संसद के सदस्य भी ये रहे थे, ठीक है। और ये युवा राष्ट्रवाद को मार्गदर्शन दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एओ ह्यूम का नाम याद रखना, इन्होंने, ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर थे। इन्होंने भारत में जो अलग अलग क्षेत्र थे वहां के भारतीयों को आपस में लाने के लिए, एकता पैदा करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका अदा की थी। नौरोजी की एक पुस्तक भी आई थी, ठीक है, नौरोजी की पुस्तक है जिसका नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। जो ब्रिटिश सरकार चल रही थी उसने जो काम किए थे, कांड किए थे, उनके बारे में यहां पर बताया गया है कि ब्रिटिश किस प्रकार से हमारे के संसाधनों का प्रयोग कर रहा है और इससे हमारे देश में आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या नुकसान हो रहा है। अगला पॉइंट मिलता है उभरता हुआ राष्ट्र, राष्ट्र में राष्ट्रवाद कैसे उभरा, राष्ट्र जागा कैसे, उभरता हुआ राष्ट्र, इसको भी देखते हैं। तो पहले 20 सालों में जो कांग्रेस थी अपने उद्देश्य और तीखे लिहाज से उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी, यानी कि इन्होंने आते ही आते बहुत बड़े तौर पर जो है तो सुधार करने शुरू नहीं कर दिए थे, आए तो धीरे धीरे ये आगे बढ़े, ठीक है। जब ये धीरे धीरे आगे बढ़े तो पहले 20 सालों में ये मध्यम मार्गी पार्टी बनकर के रहे। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों की जो अधिकार हैं, ठीक है, भारतीयों को अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई कि भाई जो पोस्टें होती हैं, जो जॉब हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची जो पोस्ट हैं वहां पर भारतीयों को जगह दी जाए, ठीक है। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, जो विधान परिषदें चल रही हैं वहां पर भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए। इसके अलावा परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं कि परिषदें अधिकार में मतलब निर्णय ले सकें। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं, ठीक है, वहां पर उनका गठन किया जाए, ठीक है। इसके अलावा सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाएं। उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए जो लंदन में परीक्षाएं होती हैं तो लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। याद रखना, जिस सिविल सेवा की परीक्षा आज आप यहां पर दे रहे हो इसकी परीक्षा सबसे पहले लंदन में ही होती थी, ठीक है। और यहां पर कांग्रेस ने इसके लिए मांग की थी कि ये परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए क्योंकि भारत में विद्वानों की कमी नहीं है। तो याद रखना, जो कांग्रेस है, कांग्रेस 20 साल तक, स्टार्टिंग के 20 साल तक एक मध्यम मार्गी पार्टी बनकर के रही थी, यानी कि धीरे धीरे कछुए के चाल चलने वाली पार्टी रही थी। इन्होंने आजादी की मांग के लिए लड़ाई लड़नी स्टार्टिंग से ही शुरू नहीं कर दी, पहले इन्होंने सरकार में जगह बनाई, ठीक है, और अधिक जगह बनाने के लिए काम किए। जो विधान परिषद है वहां पर भारतीयों को अधिक जगह दिलाई, ठीक है। इसके अलावा परिषदों को अधिकार दिलाए, जहां परिषदें नहीं थी वहां पर परिषदों का गठन करवाने के लिए आवाज उठाई। भारतीयों को ऊंचे पद पर, जैसे आप देखते हैं ना, मतलब जो पद होते हैं, ए ग्रेड के अधिकारी, बी ग्रेड के अधिकारी, तो इनका कहना था कि ए ग्रेड के अधिकारी भारतीय भी बने, तो इन्होंने ऐसी आवाज उठाई। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी। देखो क्या था, जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसमें भारतीयकरण की मांग लेकर के आई थी कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस का कहना था कि मतलब केवल भारतीय नस्ल के जो व्यक्ति उन्हें नीचे पायदान पर रहना चाहिए, यह सही नहीं है। भारतीय लोगों को भी ऊंचे पायदान पर, ऊंची ऊंची पोस्ट पर जाने का अधिकार है, ठीक है। इन्होंने ऐसी बात कही और नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन चला, ठीक है। यह नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा था कि भारतीय नस्ल के लोगों को दूर रखा जाता था, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। इसके पीछे का कारण एक यह भी था कि अंग्रेज अफसर अपनी भारी भरकम वेतन एक का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, यानी कि जो ये ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर रहते थे और जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतना अधिक वेतन होगा, और वो सारा वेतन वो अपने देश भेज देते थे, ठीक है। अगर वो यहां पर मतलब ऊंचे जो पोस्ट हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट वाले अधिकारी हैं, वो अगर भारतीय बन जाएंगे तो जितना भी पैसा जो वेतन होगा वो भारत में ही रुकने लगेगा, ठीक है। लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की जो धन संपत्ति है वो कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी, ठीक है। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। देखो, न्यायपालिका यानी जहाँ पर न्याय दिया जाए और कार्यपालिका यहाँ पर यानी कि जहाँ पर विकास के लिए काम किया जाए। तो भारतीयों ने ये मांग की थी कि मतलब जो न्यायपालिका है
उसको कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा जो आर्म्स एक्ट है कि भाई कोई भी हथियार नहीं रख सकता, इसको निरस्त कर दिया जाए, ठीक है, आर्म्स एक्ट को खत्म किया जाए। अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए कि मतलब हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी हो और जो चाहे वो बोल सके, यानी कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसको खत्म किया जाए। ये यहां पर भारतीयों ने, कांग्रेस ने मांग की और आगे बढ़ी, और भी कई सारे संगठन थे जिन्होंने यहां पर मांग की। इसके अलावा शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न यानी कि विपस्ती ग्रस्त हो गए हैं और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिया जाए। समझो, देखो, अंग्रेजों ने जो हमारे यहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो कब्जा करने के बाद में सबसे पहले उन्होंने लगान को बढ़ाया। जब लगान को बढ़ाया तो यहाँ से जितनी आमदनी होती थी, देखो, अंग्रेज हमारे यहाँ पर एक व्यापारी बनकर के आए थे, ठीक है, व्यापारी बनने के बाद में यहाँ के शासन व्यवस्था को अपने अंडर में कर लिया। शासन व्यवस्था को अंडर करने के बाद में यहाँ से जितना भी उनकी आमदनी होती थी उसी से अपना व्यापार चलाने लगे। उससे पहले अंग्रेज अपने देश से यहाँ पर सोना चांदी लेकर के आते थे और उसके बदले यहाँ से चीज़ों को खरीद कर ले जाते थे और अपने देश में बेच करके व्यापार करते थे। लेकिन जब यहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो यहां का जितने भी संसाधन थे उनका उपयोग करने लगे, यहां से लोगों से कर लेते थे और उस कर से ही यहां की चीजों को खरीदते थे और ले जाकर अपने देश में बेच देते थे। तो यहां पर एक तरह से भारतीय लोगों का उपयोग किया जाने लगा। तो कांग्रेस ने यहां पर मांग की, सबसे पहले मांग क्या की, कांग्रेस का कहना था कि जो ब्रिटिश शासन है इसकी वजह से भारत में गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, कहीं कहीं पर इन्होंने कर बहुत अधिक लगा दिया था और वहां की चीजों को मनमाने दाम पर खरीद के ले आते थे, तो वहां पर अकाल पड़ जाता था, गरीबी होती थी। लगान बढ़ा दिया, लगान बढ़ाने से जो काश्तकार हैं और जमींदार हैं उनके ऊपर बहुत ही संकट मंडराने लगे थे कि भाई लगान भी चुकाना है और पेट भी पालना है। इसके अलावा और अनाज जो था, ठीक है, जितना भी यहां पर अनाज पैदा होता था उसका निर्यात कर देते थे यानी विदेशों में ले जाकर बेच देते थे, ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का भी अभाव पैदा हो जाता था। तो इससे भारत में जो भी आर्थिक मुद्दे हैं, ठीक है, इसको लेकर के कांग्रेस ने काफी सारे सवाल उठाए। कांग्रेस की मांग ये थी कि लगान को कम कर दिया जाए, ठीक है, और फौजी खर्चे बहुत होते थे, ठीक है, सेना के क्षेत्र में अंग्रेज बहुत खर्चा करते थे, तो कांग्रेस की मांग ये थी कि फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाए, मतलब जगह जगह पर सिंचाई के लिए काम किए जाए। इसके अलावा मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे, यानी जो कांग्रेस पार्टी के और भी जितने संगठन बने थे उनके जो नेता थे वो ये चाहते थे कि पूरा देश जग के हमारे साथ चले। केवल एक पार्टी ही देश को आजाद नहीं करा सकती, जब तक पूरा देश संगठित होकर के एक साथ नहीं आएगा तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। तो जितने भी नेता थे उन्होंने जनता को जगाना शुरू कर दिया, जनता के सामने ये बात रखने लगे कि जो अंग्रेज हैं ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराने लगे कि देखो तुम्हारा इस तरह से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने अखबार निकाले, ठीक है, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर लेकर के जा रही है। मतलब अगर भारत के संसाधनों का इसी तरह से उपयोग किया जाता रहा तो भारत एक दिन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और हम आप सभी लोग धीरे धीरे मरते चले जाएंगे, आर्थिक तबाही की ओर अंग्रेज हमको लेकर जा रहे हैं, इस बात से अवगत कराया। जब जनता को ये बात पता चलने लगी तो जितने लोगों को पता चलती थी वो लोग इन पार्टियों के साथ में आ जाते थे। मध्यम मार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। देखो समझो, अंग्रेज जो थे यहाँ पर जितने भी आते थे लगभग वो सभी पढ़े लिखे होते थे और पढ़े लिखे व्यक्ति की एक बात है कि अगर आप उसके सामने तर्क सम्मत बात रखोगे तो कहीं ना कहीं वो झुकेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं झुकेगा। जैसे कि आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने जाओ और उसके सामने कोई तर्क से बात रखो तो वो बात आपकी मानेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अनपढ़ और गवार के पास में जाओ और उसके सामने तर्क सम्मत बात रखो, आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसे आप समझा नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेता लोग थे, मध्य मार्गी नेता थे, उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का सम्मान करते हैं, न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए भी भारतीयों की न्याय संगत मांग जो होगी, मतलब जो तर्क के साथ में बात रखेंगे, जो न्याय संगत मांग होगी उसको स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, मतलब जो सरकार है यहां की, अंग्रेजों की जो सरकार है, इसको अगर हम भारतीय भावनाओं से अवगत कराएंगे तो मतलब धीरे धीरे बदल सकती है और हमें थोड़ी बहुत आजादी दे सकती है, नियमों का बदलाव कर सकती है, इसको लेकर के काम किए। अगला पॉइंट मिलता है आपको, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। इस टॉपिक पर हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये काफी बड़ा टॉपिक है और टाइम भी काफी हो रहा है, ये कुछ 29 मिनट हो चुके हैं। इस टॉपिक पर अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, एक स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, दूसरा जन राष्ट्रवाद का उदय और तीसरा टॉपिक होगा महात्मा गांधी का आह्वान, रॉलेट सत्याग्रह,
इसके अलावा और एक खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यहां तक हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। आपका पार्ट वन यहां पर कंप्लीट होता है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब के बिना हमारा चैनल अधूरा है। और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, बेल आइकन नहीं दबाए, दबा दीजिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेगा। और कर भला तो हो भला, भला सबको करना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों को नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, आप जाकर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।